गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है थर्सडे और 2 जून, और मैं लग गई हूँ सुबह सुबह भाग दौड़ में। और सबसे पहले मैं सभी जगह झाड़ू वगैरह लगा करके आ गई हूँ किचन में, और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ। और आज मैं स्लेब में थोड़ा सा सर्फ डाल करके धो रही हूँ, पानी डाल डाल करके, क्योंकि कुछ दिन हो जाता है तो यहाँ चिपचिपा टाइप के हो जाता है, ऊपर से पोछने से अच्छा नहीं लगता है, मतलब पोछने से उतना सफाई नहीं होता है, इसलिए मैं पानी डाल करके धोती हूँ। इससे क्या होता है कि पूरा स्लेब क्लीन हो जाता है। और इधर मैं नीचे भी मतलब फर्श भी क्लीन कर रही हूँ किचन का और उसके आगे का। और क्या है कि आज था थर्सडे और सर्फ तो डालना नहीं था, लेकिन मैं सर्फ जब डाल दी तब मुझे याद आया कि आज थर्सडे है और सर्फ डाल करके नहीं धोना चाहिए, लेकिन भूल से आज मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर सफाई करते करते मैं यहाँ चाय भी बना रही हूँ मॉर्निंग का, और एक तरफ मैं दूध उबालने के लिए रख दी हूँ और दूसरे तरफ चाय चढ़ा दी हूँ। और सभी लोग अभी वेट कर रहे हैं चाय का। और सुबह से क्या है कि भाग दौड़ स्टार्ट हो जाता है, और सुबह सुबह तो उठने में थोड़ा आलस होता है, लेकिन जब उठ जाओ तो फिर फुल एनर्जी के साथ अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ और जल्दी जल्दी अपना क्लीनिंग का काम करती हूँ। मेरा मॉर्निंग का यही काम है। और बिना क्लीनिंग किए हुए अगर नहा लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू लगाती हूँ और धोती नहीं हूँ, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे पैर के पास चिपचिपा टाइप का लगता है, तो इसलिए मुझे धोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में धो देती हूँ और तभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अपनी सासू माँ को चाय दे रही हूँ, और ये भी यहीं पर बैठ करके चाय पी रहे हैं, और बाबू बगल में बैठा हुआ है। और फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, और पहले ही बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, और अब रूम में अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद इस रूम को भी पोछ दूंगी। और ये सब करते करते 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग चुका है। सभी जगह मैं धो दी हूँ, और यहाँ पर मैं अपने रूम में भी पोछा लगा रही हूँ, और इस रूम को मतलब अच्छी तरह से पोछूंगी। 2-3 बार पानी ले लेकर के मैं पोछती हूँ, क्योंकि बहुत ही नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। और मंदिर में सफाई वगैरह कर दी हूँ, और बर्तन भी मंदिर का धो दी हूँ वहाँ पोछा लगाने के बाद। फिर सूर्य देव को मैं जल देती हूँ, और यहीं पर मैं जो फूल वगैरह रहता है वो थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ फिर बैठ करके कान्हा जी का स्नान वगैरह जो होता है, स्नान ध्यान और श्रृंगार सारा चीज़ मैं कर देती हूँ, और वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। फूल यहाँ पर से 2-4 ठो तोड़ करके अब मैं जा रही हूँ पूजा रूम में, और सभी देवी देवता का पूजा वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई हूँ नारायण स्त्रोत्र का पाठ करने के लिए। अभी मैं डेली नारायण स्त्रोत्र का पाठ कर रही हूँ, और नारायण स्त्रोत्र का पाठ करने से अच्छा होता है। और ये देखिए नहाने के बाद तैयार हो रहे हैं। और ये चले गए हैं अपना काम पर, और वीडियो लेते देखते तो इन कहते मेरा मत लेना, इसलिए मैं पीछे से ले रही थी, इनको पता नहीं चला अभी कि मैं इनका वीडियो ली हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मॉर्निंग से फिर से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, और सुबह का जो डेली का रूटीन होता है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मेरा पूजा पाठ हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में, और आप लोगों से मिलती हूँ किचन में। तो चलिए आगे का ब्लॉग इंजॉय करिए। और ये बहुत हल्का रहता है गर्मी में, इससे बहुत ही आराम लगता है। सिल्क का साड़ी जो होता है बहुत ही हल्का होता है, और ये सब बहुत दिनों का साड़ी है, इसलिए मैं कभी कभी अभी घर में यूज कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसे बाहर पहन के तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा शादी के बाद से जो खरीदी थी मतलब बहुत दिन हो चुका है। ये ग्रीन कलर का और येलो कलर का 3-4 साड़ी अभी है मेरे पास सिल्क का, तो मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ घर में।
और क्या है कि पहले मैं बहुत सिल्क का साड़ी ही खरीदती थी, क्योंकि मुझे सिल्क का साड़ी बहुत अच्छा लगता था पहनने में, तो इसलिए मैं सिल्क का लेती थी। लेकिन अब नहीं लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहनने के बाद बेकार सा हो जाता है, जैसे घर में वॉश करने से इसका कलर निकलता है और तुरंत ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं अब सिल्क का साड़ी नहीं लेती हूँ, अब दूसरा साड़ी लेती हूँ, पतला पतला। मुझे पतला साड़ी, हल्का साड़ी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, और वही यहाँ पर और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्जी। लंच में बनेगा बेसन की सब्जी, और सुबह बैंगन आलू का सब्जी मैं बनाई थी और रोटी ब्रेकफास्ट में, और अभी लंच के लिए मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है, और आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरह से आप लोग बना करके देखिएगा, जिसे बेसन की सब्जी खाना पसंद है वो इस तरह से बनाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बेसन। तो यहाँ पर मैं बेसन को घोल दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर सिर्फ डाल दी हूँ, और नमक, और यहाँ पर तेल में जीरा डाल करके थोड़ा तड़का ले रही हूँ, और उसके बाद इसमें बेसन का घोल डाल करके और इसे इस तरह से करते हुए सुखा लेना है, और इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, और लगातार चलाते हुए इसे बढ़िया से पकाना है। इसी तरह से करते हुए इसे अच्छी तरह से सूखने देना है, और यहाँ पर एक बर्तन में तेल लगा ले रही हूँ, और इसी में बेसन का जो मिश्रण है उसे डाल करके ठंडा करना है और अच्छी तरह से, और ये देखिए यहाँ बन चुका, और इसे थाली में अच्छी तरह से पतला करके फैला देना है, और ठंडा होने के बाद इसे कट करना है, और ये देखिए ठंडा हो चुका है, और इसे मैं काट ले रही हूँ, छोटा छोटा पीसेस मतलब बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा पीस में मैं इसे कट कर ली हूँ, और यहाँ पर मैं प्याज और टमाटर और लहसुन और हरा मिर्च कट करके रखी हूँ, चार प्याज मैं काट करके रखी हूँ, और यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुका है, और इसमें तेल डाल करके जो बेसन काट करके रखा हुआ है उसे मैं तल ले रही हूँ, और इसे लाल करके तलना है, इसे अच्छी तरह से तल करके सभी को मतलब तल लेना है, और तल करके निकाल लेना है, और देखिए इस तरह से मैं सभी को तल ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सभी को तल करके रख ली हूँ, और यहाँ फिर से तेल में थोड़ा जीरा डाल करके और जो कट किया हुआ है प्याज लहसुन हरा मिर्च सभी को डाल करके थोड़ा सा भूनना है, और इसमें टमाटर भी भूनना है डाल करके, और ये ग्रेवी के लिए तैयार हो रहा है, और इसे निकाल करके ठंडा करके और मिक्सर में पीस लेना है, और ये ग्रेवी ठंडा हो चुका है, और इसे मैं पीस ले रही हूँ, तब तक यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ, और ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मसाले जल जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर गोलकी जीरा इस तरह से डाल करके सभी मसाले को थोड़ा सा भूज लूँगी, और भूजने के बाद ये स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और जो पीसा हुआ ग्रेवी के लिए है ये प्याज, और ये इसमें पानी डाल करके और इसमें डाल दे रही हूँ, और अच्छी तरह से धो करके इसमें पानी डाल दूँगी, और इसे अच्छी तरह से भूजूँगी धीमी आँच पर, और ये है मीट मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मीट मसाला डाल दे रही हूँ, और देखिए इस तरह से भूजते हुए तेल छोड़ दिया है, और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, और अच्छी तरह से मसाला भूज चुका है, और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भूज चुका है, क्या बनाइए। और इसमें पानी डालना है, इसमें पानी इतना डालना है कि थोड़ा
बेसन जो है पानी सोखता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। और जब ये उबाल आ जाए इसमें, तो इस बेसन जो तला हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा देर तक पकने दूँगी। और थोड़ा जब गाढ़ा हो जाएगा तो जितना पतला उतारना है उसे उस तरह से रख करके उतार लेना है। और ये देखिए बेसन का सब्ज़ी तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ उतारते के समय। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार हुआ था। और देखिए मेरा सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुका है और लंच में बना करके रख दी हूँ बेसन की सब्ज़ी। और अभी सभी लोग खाना नहीं खाए हैं, आप सभी लोग खाना खाएँगे। और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।